हे गाइस, दिस इज विष्णु सोलंकी और आप देख रहे हैं स्टेप अप मैथ्स। सो अभी आप फ्री रहते हैं तो आपके जो टाइम है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने 9th स्टैंडर्ड की सीरीज स्टार्ट की है। तो एक्चुअली दिस इज अ यूजफुल फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या है, देखो सबसे हमने यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक हम आज कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स, जितने भी टाइप के नंबर हैं वो, और नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, सो वन बाय वन चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले ये टाइप ऑफ नंबर एकदम इजी है तो थोड़ा देख लें। नेचुरल नंबर, ये सब अलग अलग टाइप है, तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? देखो कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मींस कोई भी जो पॉजिटिव नंबर हो, कोई फिक्स नंबर हो, कोई कॉन्स्टेंट नंबर हो, 1 2 3 4 5, उसको मैं नेचुरल नंबर कह सकता हूं। बट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है कि वो पॉजिटिव होना जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, यहां पे जीरो इंक्लूड होगा नहीं, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ 1 2 3 4 इनफिनाइट, ये सारे के सारे नंबर हम नेचुरल नंबर में गिन सकते हैं। नाउ होल नंबर्स। होल नंबर मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे प्लस जीरो। अगर कोई भी नंबर में कहीं पे भी जीरो इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर के साथ, दैट मींस वो होल नंबर है। ठीक है, जीरो जब भी अगर इंक्लूड होता है तो हमें उसको होल नंबर कंसीडर करना है। नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मींस सारे के सारे नंबर आपको गिनने ही हैं, बट एज वेल एज नेगेटिव भी। सेट ऑफ होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स इंक्लूड हो गए इसमें, मतलब 0 1 2 3 5 ये सब इंक्लूड होंगे, बट साथ में नेगेटिव नंबर्स भी साथ में इंक्लूड होने वाले हैं, मतलब -1 -2 -3 इनफिनिट, मतलब जीरो के दोनों तरफ के नंबर्स हमें कंसिडर यहां पे करने हैं इंटीजर्स में। रैशनल नंबर्स। रैशनल द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, उसका टॉप एंड बॉटम अलग अलग इंटीजर हो, याद रखना इंटीजर हो, दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव साइन भी हो सकती है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 2 2 बाय 3 3 बाय 9 9 बाय 4, सबको आप कंसिडर कर सकते हो रैशनल नंबर में। ठीक है, यहां पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूं तो भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएगा, बिकॉज हियर इज अ रिटर्न इंटीजर लिखा हुआ है, इंटीजर कंटेन्स नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। नाउ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स उसे कहते हैं दैट कैन बी रिटर्न एज अ डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जब भी कोई नंबर एक फिक्स टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट मतलब यहां से अगर वो फिक्स हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है। टर्मिनेटिंग मतलब इसके आगे डॉट डॉट्स नहीं लगाए हुए हैं, ये आगे की तरफ और एक्सपैंड होगा नहीं, ये यहां पे फिक्स है, टर्मिनेट है। तो इस टाइप के जो नंबर है उसको मैं रियल नंबर बोल सकता हूं, क्योंकि इसको मैं डेसिमल फॉर्म को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जैसे कि यहां पे है 0.75, उसको मैं लिख सकता हूं 75/100। ठीक है, तो ये एक रियल नंबर हुआ। अब इरेशनल नंबर क्या है? जो हम डेसिमल फॉर्म में ना लिख पाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ये डेसिमल फॉर्म में है बट पीछे यहां पे डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब ये आगे चलता ही जाएगा, रिकर होता जाएगा या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, और ये कहीं पे भी ये स्टॉप नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल में है पाई √2। √2 इज मतलब रूट ऑफ प्राइम नंबर, कोई भी रूट ऑफ प्राइम नंबर हो तो वह इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ नंबर हैं, तो इसको आप कंसिडर करके अलग अलग ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज में, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स ये सब दिए हुए हैं, तो ये आपको अपने आप ही सॉल्व करना है। नाउ सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लॉटिंग द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, सो नाउ फोकस। नाउ प्लॉट √2 ऑन अ नंबर लाइन। किस तरह से करें √2 को प्लॉट, तो यहां पे थोड़ा देखिए, शायद आपको पता चल जाएगा इस पे। ठीक है, देखो सबसे पहले √2 को प्लॉट करने के लिए आपको यहां पे एक ही थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पूरा का पूरा यूनिट बेसिस पे है। देखो सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, मैंने ये 6 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, यहां पे 6 सेंटीमीटर की। इसको मैं 2 सेंटीमीटर को मैं एक यूनिट दे देता हूं, मैंने यहां पे 2 सेंटीमीटर को एक यूनिट दिया है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो 0 1
2, 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे रूट टू को प्लॉट करना है। तो लेट्स टेक पाइथागोरस थ्योरम। रूट टू कैसे बनता है, देखो, जब देखो रूट टू के यहां पे कोई भी सेंटीमीटर मीटर इस तरह का कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो हम कुछ यूनिट ही कंसिडर करते हैं इसको। यहां पे सपोज एक ट्राइंगल है जिसका बेस है 1, जिसकी हाइट भी दी हुई है 1, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा। तो अगर हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो इसको मैं एक्स कंसिडर करूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू रूट टू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेस और एल्टीट्यूड दोनों को मैं 1 कंसिडर करूं, तो उसका हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली रूट टू बन जाता है। तो यही यही फंडा आप पे आपको यहां अप्लाई करना है, ठीक है। किस तरह से, देखो ये है 1, तो मुझे यहां पे एल्टीट्यूड भी 1 का बनाना होगा। तो वो किस तरह से बनाए, देखो एल्टीट्यूड बना रहे हो, ऑब्वियसली वो 90 डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री आप किस तरह से बनाते हो, तो आपको वही आपके प्रोटेक्टर की हेल्प से। सबसे पहले यहां से 1 के पास से मुझे बनाना है, तो कोई भी एक मेजरमेंट लेके मैं यहां से एक आर्क बना दूंगा। देखो ये कोई भी मेजरमेंट होगा, ऐसा इसका कोई फिक्स मेजरमेंट होता नहीं है। ये मैं कर रहा हूं 60 का एंगल बनाने के लिए, ठीक है। अब वही मेजरमेंट को मैं यहां पे रखूंगा, तो ये 60 का एंगल होगा। यहां से उसको अगर मैं डबल कर देंगे तो 62 120, और 60 और 120 का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा हमारा 90 का, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल मुझे मिला 90 का, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये 1 यूनिट है, तो मैं वर्टिकल भी मुझे कितना कंसिडर करना होगा, 1 यूनिट कंसिडर करना होगा। और आप जानते हो 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर होता है, तो अराउंड यहां पे ये 1, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया है 1 यूनिट, ठीक है। तो हम अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो अब ये बन जाएगा हाइपोटेनस। देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और ये आपका ऑटोमेटिकली यहां बन जाएगा रूट टू। समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये रूट टू को सिर्फ हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, कहां पे, नंबर लाइन पे। ये रूट टू को अगर मुझे प्लॉट करना है तो मैं यहां से इतना मेजरमेंट लेके मैं इस तरह से उसको डायरेक्टली प्लॉट कर सकता हूं। इतना मेजरमेंट लेके हो गया, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो हाईलाइट की हुई लाइन है ये आपका बताता है रूट टू, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप देख सकते हो यहां पे। ठीक है, सुनाओ, इसी तरह से हम रूट थ्री को भी प्लॉट कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए, सो नाउ रूट थ्री। अब यहां थोड़ा इसको हमने बड़ा बनाया है तो आपको अच्छे से दिखे। अब रूट थ्री किस तरह से बनाए, देखो जो भी चीज आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करनी होती है उसको आपको हाइपोटेनस कंसिडर करना है। मैं अगेन यहां पे एक ट्राइंगल क्रिएट करूंगा, ठीक है, यहां पे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इस तरह से हम सोल्व करेंगे तो रूट थ्री आ जाएगा हाइपोटेनस से। देखो कंसिडर कि ये 1 यूनिट है, ठीक है, और ये जो बेस है मैं रूट टू कंसिडर करता हूं, तो ये कितना होगा एक्स, या मैं कैलकुलेट करें यहां पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, रूट टू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट टू का स्क्वायर 2 होता है और 1 का स्क्वायर 1, आंसर इज 3, तो एक्स इज इक्वल टू रूट 3। मतलब आपके ट्राइंगल का एक फेस रूट टू होना जरूरी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको पहले रूट टू बनाना होगा
और उसके ऊपर से आप रूट थ्री बना सकते हो एक फेज को वन यूनिट कंसिडर करके। तो वही पुरानी मेथड डायरेक्टली बनाए हम, ये एक यूनिट है मतलब 4 सेंटीमीटर एक यूनिट। तो मैं ऐसे वापिस एक रूट टू बनाने के लिए वापिस मुझे ऐसे परपेंडिकुलर वन यूनिट कंसिडर करना होगा। मैं यहां लिख देता हूं दिस इज वन यूनिट। अब मैं डायरेक्टली यहां पे परपेंडिकुलर बना देता हूं। परपेंडिकुलर बनाना कैसे है यू ऑल नो दैट, ठीक है? आपको इस तरह से प्रोसीजर करके बनाना है। ये भी वन यूनिट है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों का जो हाइपोटेन्यूस होगा वो हमारा होगा रूट टू। ये हम जानते हैं, ये हमारा होगा रूट टू। अब यहां पे मैं और एक ट्राइंगल क्रिएट करूंगा, और एक ट्राइंगल यहां क्रिएट करूंगा जिससे इजीली मैं प्लॉट कर पाऊं रूट थ्री। देखो रूट टू मेरे पास है, रूट टू है। अब एक फेज मुझे वन यूनिट का चाहिए, कहां पे? यहां पे। यहां पे अगर मैं एक वन यूनिट का फेज ले लूं तो मैं इजीली ट्राइंगल क्रिएट यहां पे कर सकता हूं। ट्राइंगल या वन यूनिट का मुझे फेज चाहिए, ठीक है? तो यहां वन यूनिट कैसे बनाए, तो ध्यान से देखें, ये लाइन को थोड़ा एक्सपांड करें, ठीक है? अब मुझे यहां 90 डिग्री पे वन यूनिट प्लॉट करना है। तो 90 डिग्री बनाने के लिए वापिस वही मेथड, यहां से आप राउंडर लो, कोई भी एक मेजरमेंट लो और हाफ सर्कल बनाओ। वही मेजरमेंट से ये 60, ये सेकंड होगा 120 और उन दोनों के बीच में होगा 90। सो ये हुआ 90 का, ठीक है? मुझे यहां वन यूनिट बनाना है। वन यूनिट मीन्स 4 सेंटीमीटर, वी ऑल नो दैट, हमने कंसिडर किया है। तो ये एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर का ही हुआ, ठीक है? देखो रूट टू बन गया। 1 सेंटीमीटर का हमने ये बनाया, सॉरी 1 यूनिट का हमने ये बनाया, ये भी दिया हुआ है। अब इन दोनों को मैं कर दूंगा ज्वाइन। तो हमारा जो ये बना, ये वाला पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन, ये हमारा कहलाता है रूट थ्री। पहले रूट टू और उसके ऊपर से हमने बनाया रूट थ्री। अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो कैसे करें? सिंपल है यार। अगर इसको प्लॉट करना है तो आपको पहली बात तो ये लाइन थोड़ी एक्सपांड करनी होगी, मतलब और एक यूनिट आपको आगे लेना होगा। अब सिंपल है, अब जो भी होगा राउंडर से, यहां से मैंने ये मेजरमेंट लिया यहां का, बस उसको मैं सीधा प्लॉट कर दूंगा। तो यहां पे ये जगह पे आपका बनेगा रूट थ्री, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका वो रूट थ्री डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस था आपका रूट टू डिस्टेंस था। तो इस तरह से रूट थ्री एंड रूट टू आप इजीली बना सकते हो नंबर लाइन पे। अब आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, देखो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अंडर रूट 9.3 भी प्लॉट करेंगे। आपको घर से करके आना है रूट फाइव, रूट फाइव आपको बनाना है नंबर लाइन पे। किस तरह से बनाओगे? सबसे पहले रूट फाइव का जो बेस होगा वो फोर का होगा, और फोर किसका होता है? स्क्वायर टू का, ठीक है? तो आपको बेस 2 यूनिट का लेना है और उसका एल्टीट्यूड 1 यूनिट का लेना है, क्योंकि बेस 2 का स्क्वायर 4, एल्टीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 प्लस 1 5। मैं माने कि हाइपोटेन्यूस हमारा मिल जाएगा 5। तो ये बेस 2 यूनिट का रहेगा रूट फाइव में और एल्टीट्यूड 1 यूनिट का रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस बनेगा वो रूट फाइव बनेगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है, प्लॉट अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। ये खास ध्यान रखें ये किस तरह से होगा। सो जब भी कोई अंडर रूट में कोई चीज बनानी होती है आपको, तो सबसे पहले आपको वही चीज मेजरमेंट से बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अंडर रूट 7.6 बनाना है, तो एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। 9.3 बनाना है तो जस्ट वॉन्ट टू मेक अ लाइन
हैविंग लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। देखो मैंने क्या किया, एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिसका मैं नाम देता हूं यहां पे ए एंड बी, और ये लाइन का जो मेजरमेंट है ये है 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको एक और सेंटीमीटर की लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देनी है यहां पे। क्या किया मैंने, एक और सेंटीमीटर की लाइन, मतलब हम यहां देख सकते हैं कि जो ए बी है वो 9.3 सेंटीमीटर है, जबकि ए सी, ए से लेके सी पूरा, उसमें मैंने 9.3 में एक और सेंटीमीटर ऐड कर दिया, देन इट विल बिकम 10.3 सेंटीमीटर। ओके गॉट इट। नाउ वी हैव टू मेक परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ ए सी। ओके, परपेंडिकुलर बायसेक्टर ए सी का ड्रॉ करना है, नॉट ए बी, ए सी। परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आधे से ज्यादा मेजरमेंट लो, लिसन, आधे से ज्यादा मेजरमेंट लो, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। सेम प्रोसीजर रिपीट ऑन अदर साइड, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। नाउ वेन एवर आई जॉइन दिस टू आर्क सेंटर पॉइंट, इट विल बिकम्स योर परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ए बी सी, नाउ इट विल बिकम्स योर डी। ओके, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिसन, क्योंकि परपेंडिकुलर बायसेक्टर ए सी का बनाया है, ठीक है। नाउ अब हमें डी सेंटर मिल गया, तो लेट्स मेक ए हाफ सर्कल। हाफ सर्कल कहां से, डी को सेंटर रख के, ए डी को रेडियस लेके, हमारा ये बन गया हाफ सर्कल। क्या क्या किया अब तक, देखो 9.3 सेंटीमीटर का ए बी ड्रॉ किया, एक सेंटीमीटर ज्यादा ड्रॉ किया, मैंने लिखा नहीं है यहां पे, आई जस्ट राइट हियर 9.3, एक सेंटीमीटर ज्यादा, ए सी का परपेंडिकुलर बायसेक्टर, एंड बना दिया मैंने हाफ सर्कल। अब आपका काम पूरा हो गया, क्या करना है, देखो आप जो ये बी से जो वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये रही ये लाइन, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, लिसन गाइस, अगर मैंने तो डायरेक्टली ड्रॉ कर दिए, आपको एग्जाम में, आपको बुक में यहां पे वही 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने की जो प्रोसीजर है उस हिसाब से आपको उसको बनाना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी 9.3 अंडर रूट, सिंपल। अब आपके मन में एक तो क्वेश्चन होगा कि ये कैसे हुआ। पहले बात तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर दें, फिर देखें, फिर आपके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। पहली बात, ये यहां पे जो ये हुआ, ये मेजरमेंट, ये 9.3 है। अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो सिंपल वही प्रोसीजर, इस तरह से मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं डायरेक्टली आर्क से। इसका मतलब जो ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट हमारा होगा, ये मेजरमेंट होगा 9.3। अब एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये इसको अंडर रूट 9.3 हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करें, थ्योरेटिकली मतलब मैथमेटिकली इसको हमें प्रूव करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहां पे आप ध्यान दो, सबसे पहले तो मैं इसका हाइपोटेन्यूस क्रिएट करता हूं, ये रहा हाइपोटेन्यूस क्रिएट किया ये वाला। अब मुझे अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मुझे अगर इसकी लेंथ मालूम है, मुझे अगर इसकी लेंथ मालूम है बीडी की, यहां पर मैं नाम दे देता हूं ई, मुझे ईडी की और बीडी की मालूम है, तो मैं इजीली पाइथागोरस से ये फाइंड आउट कर सकता हूं। पहली बात, डीई की कैसे फाइंड होगा, डीई वो आधा होता है एसी का, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, तो सॉरी एसी नहीं, सीडी का, हाँ एसी का आधा होता है, यानी कि जो ये सीडी का मेजरमेंट है वो ही डीई का मेजरमेंट है।
तो डीई मिला क्या, एसी बाय टू, एसी की लेंथ कितनी होती है 10.3 बाय टू, तो हम 10.3 बाय टू करें तो आंसर इज 5.15। तो इसका मतलब मुझे इसका मेजरमेंट मिला 5.15। ठीक है, अब ये बीडी कैसे मिलेगा, बीडी तो सिंपल सी बात है, मुझे बीडी फाइंड करना है। ये तो मैं पूरे सीडी में से बीसी निकाल दूं, तो सीडी में से बीसी हम माइनस कर दें, तो सीडी यानी कि ये पूरा हमें पता है कितना है 5.15, बीसी यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर कंसिडर किया है वो तो होता है 4.15। तो ये मुझे मिला 4.15, इतना मेजरमेंट। तो सिंपल से एक बात है गाइस, अब यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, इसका मतलब इसको अगर मैं एक्स कंसीडर करूं, तो 5.15 का जो स्क्वायर है उसमें मैं 4.15 के स्क्वायर को माइनस करूंगा तो मुझे 9.3 मिल जाएगा। किस तरह से, देखो 5.15 का स्क्वायर है उसमें से मैं 4.15 के स्क्वायर को माइनस कर दूं तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल गया 9.3। वो जो स्क्वायर है वो यहां पे आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। देखो ये प्रोसीजर आपको कोई दिखानी नहीं है, आपको कोई वेरिफिकेशंस नहीं दिखाने हैं, आपको कैलकुलेशंस नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ ये ड्रॉ करना है और उसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं। सो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है यहां पे, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वेकेशन पीरियड चल रहा है तो प्रिपेयर कीजिए 9th स्टैंडर्ड को। फर्स्ट चैप्टर के आज 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं, कल 2 टॉपिक और आएंगे, सीरीज कंटिन्यूस है, 4 लेक्चर सीरीज में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलर रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।